नमस्कार, आज आपण महाराष्ट्रातील फलटण तालुक्यामध्ये फलटण शहरामध्ये आलो आहोत. फलटण शहरामध्ये निकम डेंटल केअर्स आणि फेस सर्जर जे आहेत डॉक्टर विश्वराज निकम सर यांच्या क्लिनिकमध्ये आलो आहोत. ह्यांनी विविध प्रकारचा शोध लावलेला आहे, त्याच्यामध्ये अक्कलदारेच्या बिनटाकेची सर्जरीचा शोध या डॉक्टरांनी लावलेला आहे. या डॉक्टरांकडून आपण जाणून घेणार आहोत की कशा पद्धतीनं या अक्कलदारेच्या बिनटाकेची जी सर्जरी आहे त्याचा शोध कशा लावला आणि कशा पद्धतीनं त्यांनी या शोध मोहिमेसाठी आपला वेळ दिला त्या संदर्भात आपण जाणून घेणार आहोत डॉक्टर विश्वराज निकम यांच्याकडून. सर, आपण अक्कलदारेच्या बिनटाकेची सर्जरीचा शोध लावला आहे, त्या संदर्भात आपण काय म्हणतो? नमस्कार, मी डॉक्टर विश्वराज निकम, ओरल अँड मॅक्सिलोफेसियल सर्जन. मी पुणे, फलटण आणि मुंबईत देखील व्हिजिट्स करतो. अक्कलदार ही आजच्या काळातली अत्यंत त्रासदायक गोष्ट सर्जरी ही आहे अशी मानली जाते आणि बऱ्याच लोकांना त्यामध्ये भीती असते, एक बडा डर है अक्कलदार के बारे में. तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड अभी इतने सालों से स्टिच देके, थोड़ा सा कट लेके, वहां का बोन कट करके और थोड़ा वहां पे टूथ निकलने के बाद टाके पड़ते हैं, तो इसका डर थोड़ा सा तकलीफ पेशेंट को सूजन वगैरह आने की होती है. प्रोसीजर सालों साल हर देश में यही चलती आ रही है. जैसे कि पुराने जमाने में पेट का ऑपरेशन फाड़ के किया जाता था, पूरा पेट फाड़ के ही ऑपरेशन हो जाता था, बट अभी एवरीवन इज आस्किंग फॉर द स्टिचलेस सर्जरी. सबको कम से कम फाड़ के सर्जरी चाहिए या स्टिचलेस चाहिए. तो डिमांड ऑफ द स्टिचलेस सर्जरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन ऑल पैथीज. तो मुझे ऐसे लगा कि अपने डेंटिस्ट्री में भी अक्कलदार इतना फाड़ने की क्या जरूरत है, वहां का टिश्यू हम बिना टाके की या कम से कम मिनिमम इन्वेजन से कर सकते हैं क्या. तो मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में अभी आफ्टर 15 साल के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये कुछ ऐसे अलग ढंग से हम कर सकते हैं. निरंतर प्रयास, निरंतर उसके अभ्यास के बाद 15 साल के बाद मुझे ये थोड़ा करने का मन हुआ कि हम ये स्टिचलेस कर सकते. तो उसके बाद मैंने 2019 में ये प्रेजेंटेशन दिया वर्ल्ड को कि ये बिना टाके की या स्टिचलेस मिनिमम इन्वेजन से हम कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे भारत सरकार से कॉपीराइट मिला है 2019 में एंड 2020 में वो ट्रेडमार्क से MIP MIT डॉक्टर VH निकम्स टेक्निक इस नाम से आया है. MIP MIT मीन्स मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर ऑफ मैंडिबुलर इम्पैक्टेड थर्ड मोलर टूथ स्टडी टू प्रिवेंट इंसिजन एंड सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग. तो ये जो है, ये जो काम है, इसकी वजह से पेशेंट को कम टाइम में, कम इंजुरी में और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है. तो ये एक रिवोल्यूशन है. दिस इज फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, मीन्स मनुष्य जाति के कल्याण के लिए. इसका फायदा सारे लोग ले रहे हैं. मेरा रायपुर, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, उज्बेकिस्तान, आउट ऑफ इंडिया, श्रीलंका, दुबई, हर जगह पे लेक्चर्स होते हैं. उधर उधर के डॉक्टर्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ एंड वो एक समाज के लिए वो है. और अभी मैं इजिप्ट जा रहा हूँ मंथ ऑफ जनवरी में उधर के डॉक्टर्स के ट्रेनिंग के लिए. और हर मंथ यहाँ पे हमारे 3 डॉक्टर्स आते हैं जो यहाँ इसका लाभ उठाते हैं, उसका वो बुक करते हैं 5-6 महीने पहले और फिर एक अभ्यास अपने देश के लिए, मनुष्य जाति के लिए, सबको इसका फायदा हो, इसलिए हम निरंतर प्रयास करते हैं. आपने बोला कि आप 15 साल इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे. Yes. एक दिन में आप कितना वक्त देते थे रिसर्च के लिए? देखिए, निरंतर काम होता था. मैं पेरी में पहले काम करता था तो नंबर ऑफ पेशेंट्स दिन में बहुत 40-50 पेशेंट्स आते थे. गरीब पेशेंट्स आते थे, गांव खेड़े के भी पेशेंट्स आते थे. तो काम कभी हमने बहुत बल्क में काम किया, जैसे कि सिटीज में काम कैसे होता है, थोड़ा कभी कम कम और लाविश प्रैक्टिस होती है. तो हमारा आज वी आर एट दैट लेवल, बट एक टाइम था 10 साल पहले जहां मुझे बल्क काम करना पड़ता था. तो ये काम बल्क करने के बाद एक निरंतर उसके ऊपर एक स्टडी हो गया और फिर मुझे लगने लगा उसके लिए मैंने काफी टाइम दिया. दिन रात हम इसके ऊपर रिसर्च करते थे क्योंकि ये प्रेजेंट करने के लिए, इसका कॉपीराइट मिलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब एप्लीकेशन किया था तो आपको हर थिंग प्रूवन होनी चाहिए और मैंने वो प्रूव करके दिखा. आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कुछ अवार्ड मिले हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सा एक्सेलेंस अवार्ड भी आपको अभी ताज होटल में मिला था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यस यस, इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड होटल ताज मुंबई में लास्ट मंथ, अभी 10 दिन पहले ही मुझे मिला है.
वहां पे इंडिया के जो एक्सीलेंस सारे क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए जो जो एक अच्छा मनुष्य कल्याण के लिए काम करते हैं उसके लिए मिला था। तो ये मैं आभारी हूँ उनसे जो जिन्होंने मुझे ये सब अवार्ड दिया है। उसके साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कॉपीराइट दिया है। आईडी इंडियन डेंटल एसोसिएशन का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कोलम ट्रिवेंड्रम में इसका एक अच्छा सा सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया है। तो और सारे ब्रांचेस हैं सारे देश और इवन उज्बेकिस्तान श्रीलंका इन लोगों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे गौरव किया और इसके मुझे अवार्ड्स दिए हैं। थैंक यू। आपके साथ और कुछ बात करें? हाँ, उनसे भी मैं बात करना चाहता था कि आप कहाँ से आइए और आपका एजुकेशन के लिए और आप क्या करते हैं, आप सर से आप क्या लेकर जा रही हैं? मैं डॉक्टर संबंध है, आई एम फ्रॉम भोपाल एमपी, और हम लोग यहाँ सर्जरी का कोर्स करने आए हैं फल्टन इंदौर से। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सर के साथ। सर ने डॉक्टर के क्लिनिक में सर्जरी सीखने के लिए कोई और भी डॉक्टर आए हैं इंदौर से शायद, तो उनसे भी हम बात कर रहे थे। उनका एक्सपीरियंस सर के साथ कैसा रहा है और सर के पास से जो टेक्निक है वो कैसे ली है और वो आप उनके स्टेट में ये टेक्निक कैसे लेके जा रहे हैं, इनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया तो ठीक रहेगा। हेलो, आई एम डॉक्टर सलोनी चौबे, मैं इंदौर से आई हूँ मध्य प्रदेश से। सर के यहाँ पे 3 मंथ का कोर्स होता है जिसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सर फ्लैपलेस एंड स्टिचलेस सर्जरी सिखाते हैं 3rd molar निकालने के लिए, और सर को इस चीज़ का पेटेंट भी मिला है, और पेशेंट्स का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद कोई पेन नहीं रहता, कोई स्वेलिंग नहीं रहती। दूसरा एक कैंडिडेट है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। वो भी निवेश्वर निगम के साथ काम किया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है उसके पास से हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा है। नाम डॉक्टर सोनम श्रीनाग है और मैं GDC इंदौर से हूँ। मैं यहाँ सर से MIT सीखने के लिए 3 मंथ के कोर्स के लिए आई थी, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ जो टेक्निक से जरूरी थी सर ने हमें पूरे अच्छे तरीके से करके दिखाया और हमें भी सिखाया कि इसे किस तरह से करना है। तो मेरा संपूर्ण ही एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को लेकर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए सर से। थैंक यू सर। डॉक्टर मिश्रा निकम के यहाँ जो कैंडिडेट आए हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ऐसा उनका कहना है, लेकिन सर को भी मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ। सर, आप इंडिया को, इंडिया के बाहर के लोगों को और जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा मेरे सारे दोस्तों को, मेरे डॉक्टर्स दोस्तों को, कि देखिए पेशेंट की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और अगर आप ये टेक्निक सीख के पेशेंट को उसका मिनिमम टाइम में बिना टाके की बिना फाड़े अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो वो पेशेंट के लिए और अपने समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं गर्व से कहता हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये शोध जो लगा है वो इंडिया में लगा है, इसका मुझे बहुत काफ़ी गर्व है। इसके साथ साथ इन डॉक्टर्स को मैं कॉस्मेटोलॉजी का भी जो PRP PRF हेड ट्रांसप्लांट ये सारी चीज़ें भी अपने कोर्स में कवर की गई हैं, इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस मिला है, और ये मैं बहुत इनके लिए और भी आगे सर्विस देना चाहूँगा। जो रिसर्च किया है वो रिसर्च तो हुआ है, लेकिन सर मुझे और एक ऐसा बता देती है, आपने एक अक्कल दाले का आपने बोल दिया कि अक्कल दाले सर्जरी का, अभी आपका अगला प्रोग्राम क्या है, क्या आप कोई अगला रिसर्च करने वाले हैं? Yes. अगला रिसर्च मीन्स मुझे, मैंने ये ठान लिया है कि अभी मैं सारे ब्रांचेस सारे शहरों में, जैसे कि अभी मैं इंदौर तो पीछे गया ही था, अभी रायपुर हो गया मेरा लास्ट मंथ, तो सारे शहर के डॉक्टर्स को ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करके वो ये टेक्निक पूरे वर्ल्ड में इसको हम सारे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इसको हम उसको अजमाए, ऐसे हम सबको फोर्स करेंगे, सबको रिक्वेस्ट करेंगे ताकि दैट विल बी द गुड एंड यूजफुल फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। उन्होंने जो अक्रदारी की जो टीचली सर्जरी है उसके बारे में उन्होंने बता दिया कि और वो अगले कुछ दिनों में इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ही बाहर भाई इस तकनीक के प्रचार और प्रसार करेंगे और कामयाब रहेंगे ऐसा लगता है।
नमस्कार, मी डॉक्टर किरण सुबे, मी अहमदनगरवरून डॉक्टर निकम सरांकडे त्यांच्या MIT आणि कॉस्मेटोलॉजीच्या कोर्ससाठी आले होते. पूर्ण 3 महिन्यांचा कोर्स हा आम्ही केलेला आहे आणि हा खूप छान अनुभव होता. सरांनी आम्हाला खूप छान पद्धतीने सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन केल्या आणि हँड्स ऑन सुद्धा सरांकडे खूप छान आहे. आम्ही पेशंट्सवरती डिरेक्टली केल्या प्रोसिजर्स, त्यामुळं आमचा अनुभव आणि या सगळ्या ज्ञानामध्ये खूप जास्त वृद्धी झालेली आहे आणि आम्ही अनुभव खूप छान. थँक्यू सो मच. So take an anchor like this.